हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं रेल न्यूज। दोस्तों, आज की पहली खबर इंडियन रेलवेज के डिजिटल कस्टमर फीडबैक को लेकर है। इंडियन रेलवेज एक ऐसी सर्विस की शुरुआत करने जा रही है जिसमें अब पैसेंजर से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उनका यात्रा का अनुभव कैसा रहा। इसके लिए रेलवे स्टेशन पर डिजिटल कस्टमर फीडबैक लगाया जाएगा, जिस पर कि आप कोई भी पैसेंजर जो है बटन को दबा कर या फीडबैक दे सकता है कि उनकी यात्रा कैसी रही, संतोषजनक रही कि नहीं, अपना फीडबैक देकर जान सकते हैं, जिससे रेलवे डाटा कलेक्ट करेगा और उससे पता चलेगा कि इस ट्रेन की जो है सर्विस कैसी रही या फिर उस रेलवे स्टेशन पर उनका फीडबैक कैसा रहा। दोस्तों, अगली खबर इंडियन रेलवेज में जो अनाउंसमेंट होती है जो कि सरला जी की आवाज़ होती है, जिस पर बोला जाता है यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तो ये आवाज़ जो है अब इंडियन रेलवे हटाने जा रही है कि सरला जी की जो आवाज़ है वो हमेशा के लिए अब रेलवे से हट जाएगी। इसके बदले जो है नए प्रकार के एडवांस टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है, जिसमें अब जो आवाज़ बोला जाएगा वो महाभारत में आप सुने होंगे कि मैं समय हूँ जो बोलते हैं, जिनका नाम है हरीश भीमानी जी, उन्हीं की आवाज़ में अब ट्रेनों में अनाउंसमेंट की जाएगी जो कि प्लेटफॉर्म पर होती है। तो अब हरीश भीमानी जी की आवाज़ में जो भी अनाउंसमेंट होगी वो सुनने को मिलेंगी। दोस्तों, अगली खबर इंडियन रेलवे जो माल ढुलाई को लेकर है, अभी डाटा के अनुसार जो हर 3 महीने में एक आंकड़ा आता है, जिसमें यह रिपोर्ट आई है कि अभी तक जो माल ढुलाई में सबसे नंबर 1 पे रहा हुआ है धनबाद डिवीजन, उसके बाद बिलासपुर, तीसरे नंबर पे चक्रधरपुर को जो है माल ढुलाई में रखा गया है। यानी कि इस बार जो है धनबाद नंबर 1 पे माल ढुलाई के क्षेत्रों में, जिसे उन डिवीजन को वहाँ के अधिकारियों को रेलवे की तरफ से बधाई दी गई है। उसके बाद बिलासपुर डिवीजन जो कि दूसरे नंबर पर रहा। दोस्तों, अगली खबर प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को लेकर है, जिसका क्या जो है इनॉग्रेशन किया गया, जिसमें रेलवे के कर्मचारी जैसे इनॉग्रेशन हो रही थी वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन जारी कर दिया, जिससे कि प्रदर्शन को देखते हुए बहुत सारे जो है वहाँ पर हंगामे मच गए थे। तो उसमें उनकी मांगे ये थी कि इस ट्रेन को न चलाया जाए, लेकिन वहाँ पर प्रशासन और पुलिस के द्वारा उन लोगों को हटाया गया और फिर ट्रेन की इनॉग्रेशन की गई। तो रेलवे कर्मचारी इसके जो है खिलाफ है, आगे देखिए क्या होता है। हालांकि ट्रेनों का तो परिचालन शुरू हो ही गया है, लेकिन उनकी जो ख्वाहिश थी कि ये ट्रेन न चलाया जाए, जो कि पूरी नहीं हो सकी। दोस्तों, अगली खबर दुनिया की पहली लाइफलाइन एक्सप्रेस को लेकर है, जो कि यह ट्रेन अभी जिनका कैंप शुरू हो गया है, तो यह ट्रेन अभी कोरबा रेलवे स्टेशन पर पहुंची है, जहां पर लोगों को ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो जो लोग यहां से बिलोंग करते हैं वो इस ट्रेन में जाकर फ्री में जो है डॉक्टर, जो कि अच्छे अच्छे डॉक्टर उसमें, और सारी सुविधाएँ इस ट्रेन में दी गई है, जहाँ पर अपने और ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर कोरबा रेलवे स्टेशन पर कैंप लगाया गया है, जहाँ से जो लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर दिल्ली लुधियाना शताब्दी एक्सप्रेस को लेकर है। इंडियन रेलवेज ने इस ट्रेन का नाम बदल कर अब सुपर फास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस रख दिया है। अब इस यह है शताब्दी एक्सप्रेस से चेंज होकर सुपर फास्ट इंटरसिटी ट्रेन बन गई है, जिससे इसमें किराए जो है इसके किराए में कटौती कर दी जाएगी, यानी कि किराया कम हो जाएगा। यानी कि अब इस शताब्दी एक्सप्रेस में भी जो छोटे लोग हैं वो भी यात्रा का सफ़र कर सकेंगे। तो इसकी जो है आज यानी कि 4 अक्टूबर से इसमें पहल कर दी गई है, अब यह ट्रेन इंटरसिटी के नाम से जानी जाएगी। दोस्तों, अगली खबर देश की प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को ही लेकर है। इसमें रेलवे का ये जो IRCTC का कहना यह है कि इसमें जो अप एंड डाउन मिलाकर जो दोनों साइड की ट्रेनें आए चलेंगी, उनके परिचालन में 18 लाख रुपए पर डे खर्च आएंगे। तो इस तरह से किराए से उनको 18 लाख रुपए पर डे नहीं मिल पाएंगे, जिससे रेलवे ये जो IRCTC को यहाँ पर इस ट्रेन को चलाने में घाटा होगा। इसके लिए IRCTC ने अब ऐसी प्लानिंग की है कि ये जो है ट्रेनों को, मतलब ट्रेनों पर ऐसे ऐसे विज्ञापन लगाकर ये पैसे को वसूल करेगी। तो ये IRCTC यहाँ पर विज्ञापन के थ्रू कमाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है किराए के भरोसे इस ट्रेन को चला पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें परिचालन में सिग्नल वगैरह का जो पैसा रेलवे को देना पड़ेगा, उसके अलावे जो है उनके लोको पायलट गार्ड्स वगैरह को भी पैसा देना होगा, जिसमें अप एंड डाउन मिलाकर 18 लाख रुपए IRCTC के खर्च होंगे पर डे का। तो ये उतनी यहाँ पर धनराशि निकल नहीं पाएगी, जिसके चलते एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर ट्रेनों पर किया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर ट्रेन के जो आप ऑनलाइन टिकट करवाते हैं उसके रिफंड को लेकर है। अभी तक होता क्या था कि अगर आप ऑनलाइन टिकट कराते हैं तो उसको रिफंड को लेकर जैसे ही आप रिफंड करते थे तो आपके खाते में कुछ दिन के बाद पैसे आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको अपने OTP से वेरीफाई करने के बाद ही आप अपना रिफंड ले सकते हैं। इसके लिए जब आप बुकिंग कराएंगे तो उसमें जो नंबर डाले होते हैं कैंसिल के दौरान भी उस नंबर को डालना पड़ेगा, जिसमें आपके मोबाइल पर OTP आएगी, तभी आपको OTP डालने के बाद ही आपको रिफंड मिल सकेगा। दोस्तों, आज के रेल न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं कल के न्यूज में, तब तक जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।